मुझे चाहिए एक वो, एक वो और एक ये। जरूर जरूर, जल्दी दीजिए। ये भी लाइए, ये लीजिए पैसे। अरे इतना सारा सामान इतने से पैसे में थोड़ी आएगा, कोई एक चीज ले लो बस। अच्छा फिर ये रहने दीजिए यार, ये दे दीजिए। रुकिए रुकिए, ये नहीं वो वाला ले लेता हूँ। ये आप वापस ले लीजिए और मुझे वो दे दीजिए, वो वाला। फिर क्या हुआ? ऐसा कीजिए वो चिप्स ही दे दीजिए मुझे। क्या हुआ उस्ताद? कालिया उस्ताद, क्या आप कहीं गिर गए? कोई मोच आई क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी? किसी ने हमला किया क्या? कहीं दर्द हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर चिल्लाए क्यों? मैं तो खुशी से चिल्लाया क्योंकि चिप्स के पैकेट में से ये लकी कूपन निकला है और एक आलीशान जगह पे लंबी छुट्टी पे जाना है। चलो जल्दी करो जल्दी, सब अपना अपना सामान बांध लो। वाह कितना बड़ा जहाज है। वेलकम सर। सर सर तो आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। रुकिए रुकिए, हमारा सामान हम खुद उठा लेंगे। कहीं नहीं सर, मैं तो आपका सेवक हूँ तो सामान मैं उठाऊंगा। आइए सर आइए, संभल कर। इन छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। छुट्टी मनाने का मजा तो तब आए जब कुछ खाना। वाह शाही पनीर, छोले भटूरे और कबाब लाजवाब। वाह वाह, जरा पास्ता और पिज्जा भी तो चखा जाए। मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम संडेस जिसमें होगा स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, बटर स्कॉच और ऊपर से ढेर सारा चॉकलेट सॉस। खाना खाकर मजा आया। बहुत मजा आया। सर खाने के बाद कुछ सौंफ इलायची? नहीं कुछ नहीं, वो खाना बड़ा मजेदार था। देखो वो पेंगुइन तो बड़ी दुखी लग रही है ना? उनसे पूछते हैं, शायद वो हमें कुछ बता सके। अरे भैया पेंगुइन दूसरे पेंगुइन्स के साथ नाच क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उसे नाचना आता ही नहीं, उसका नाम भी मैंने ही रखा है, चुनमुन। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्यों ना हम ही उस पेंगुइन को डांस करना सिखा दे। रुको रुको रुको, मैं पूछता हूँ। चुनमुन हम तुम्हें नाचना सिखाएंगे, ऐसे ऐसे जंग चका, जंग चका, जंग चका, जंग चका। मुझे कोई नाचना नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मेरे सर के पंख उनकी तरह सुनहरे नहीं है, सफेद है। दूसरे पेंगुइन्स भी मुझे नाचना नहीं सिखाते। ये
ये स्टेला पैगोस की पेंगुइन्स का डांस सचमुच कमाल का है। तो क्या तुम मुझे नाचना सिखाओगे? चुनमुन, मुझे मालूम था कि तुम आज जरूर नाचोगी। वाह वाह वाह। ये लो। आखिरी डांस हो जाए। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है। और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? वो उस्ताद, हम तो प, 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 उस्ताद हम तो कसरत कर रहे थे। कसरत? पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। वैसे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर ने एक कमाल की मशीन बनाई है जिसमें से लड्डू निकलते हैं, लेकिन उसमें कोयला खत्म हो गया है। हम कोयला लेने कोयले की खान जा रहे हैं। जल्दी सब लोग इस गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाओ। खतरनाक
आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। सब कुछ गलत, सब। घूमने चलेंगे राजकुमारी? नहीं। क्या हुआ राजकुमारी? हम गुस्सा है, बहुत गुस्सा। पर क्यों राजकुमारी? हम गुस्सा है क्योंकि हम तो राजकुमारी हैं। हम कभी भी कैसे भी किसी से भी गुस्सा हो सकते हैं। राजकुमारी, हम राजकुमारी हैं। कौन है ये? अरे मेरी प्यारी धन्नो, दुलारी धन्नो, चल धन्नो। हट जाओ, हम राजकुमारी हैं, हम पहले जाएंगे। पर राजकुमारी, हमें ये सारा नमक लेकर वापस जाना पड़ेगा। जो भी हो, पहले तो हम ही जाएंगे। नहीं नहीं, लड़ो मत। धन्नो, गलती। तुमने मेरी धन्नो को गिरा दिया। माफ कर दीजिए हमें। अभी बताता हूँ। पकड़म पकड़म बिगड़म। चल धन्नो। उस बुढ़े बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया पिताजी। राजकुमारी, आपके गुस्से ने ही ये सब किया। राजकुमारी, आप ठीक हो जाएंगी। ये सब आपको ठीक करने के लिए ही आए हैं। जंगल की खास जड़ी बूटियाँ। बूढ़े बाबा, राजकुमारी ने आपकी धन्नो को गलती से धक्का दिया था, इन्हें ठीक कर दीजिए ना। अगर ठीक होना है तो नमक को उस पार ले जाओ। नहीं, प्यारी धन्नो, बचाओ उसे। बूढ़े बाबा, हमारी राजकुमारी। माफ कीजिए बूढ़े बाबा। जो तुम चाहो भी। Oh,
सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है, क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? अरे मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है, बाहर की कोई आवाज नहीं आती। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे, तुम आराम करो। पर ये गांव से काफी दूर है चुटकी, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो? अगर मगर कुछ नहीं भीम, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। चलो सुबह मिलते हैं। कितना आरामदायक है। संभाल सकता हूँ। कोई तरकीब है? तरकीब? कैसी तरकीब? अब क्या? मेरे पास एक तरकीब है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? भीम, भीम कहाँ है? Kakalia never backs down.